आदाब दोस्तों में जावेद रईस हाजिर एक नई वीडियो के साथ दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बीच दीवार में कॉलम खड़ा करने बताने वाला हूँ आपकी कितनी भी लंबी आपकी दीवार हो अगर आप बीच सेंटर में कॉलम खड़ा कर रहे हो तो आपको बहुत ही ज्यादा आसान तरीका आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ वीडियो को आपने क्या करना है बिना पूरा लास्ट तक देखना है बहुत ज्यादा आपके काम या आने वाली है सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा दोस्तों जितनी भी आपकी जगह होगी आपने उसको नाप लेना है बीच में कॉलम खड़ा करने के लिए उसको आपने पूरी जगह को नाप लेना जैसा कि मेरी अभी 24 फीट जगह आ रही है ठीक है 24 फीट एक इंच मेरी जगह आ रही है तो मैं क्या कर रहा हूँ कर खड़ा करना है तो 12 फीट आधे इंच पर मैं इस तरह से एक मिनट को लगा लूंगा देख लीजिए आप ध्यान से सोल की मदद से आपने क्या करना है सेंटर को कर लेना है ठीक है मेरा मेरा चौबीस फीट एक इंच था मैंने बारह फीट आधा इंच पर एक मिनट को इस तरह से सेट कर लिया ठीक है बीच में सेट कर लेना है क्योंकि मैं बीच में कॉलम को खड़ा कर रहा हूँ अगर आप आगे पीछे करना चाहते हो तो कर सकते हैं लेकिन आपने सेंटर इसी तरह से करना रहेगा ठीक है अब ये हमारा सेंटर हो गया है देख लीजिए आप सोल की मदद से आपने बिल्कुल एक नापना रहेगा तो इससे क्या होगा दोस्तों जब हम कॉलम खड़ा करेंगे तो कॉलम को बार बार आपने नापना नहीं पड़ेगा वो एक ही बार में आपका सीधा हो जाएगा कॉलम जहां पर भी आप रखेंगे ठीक है अभी इस ईंट के सामने मैं कॉलम को खड़ा कर रहा हूँ जैसे कि मेरी ये वाली ईंट है दोस्तों ठीक है इस ईंट के सामने मेरा बीच वाला सर ही आ रहा है ले रहा हूँ तो क्या, क्या एकदम सेंटर में गले है। जो हमारी ईंट थी इसको सेंटर में लगाया था अब यहाँ पर हमने कॉलम को खड़ा कर दिया अब इसको बार बार हमें नापना नहीं पड़ेगा हम नाप लेते हैं तो देख सकते हैं आप पूरा हमारा वही आ रहा है जहाँ हमने रखा था ठीक है बारह फीट आधा इंच आ रहा है सेंटर मेरा अब जो आपकी डोर रहेगी उसको आपने क्या करना है एक इंच पीछे रखना है कोलम को डोर से ठीक है अभी सोल कर लेना है ऊपर वाला जो सीरा है वो डोर के डोर के फेस में रहेगा ठीक है थीके? एक इंच पीछे ताकि जब हम मसाला भरे तो ये डोर के लेवल में आ जाए अब क्या करेंगे हम सोल से जड़ को आगे पीछे कर लेंगे जड़ को एडजस्ट कर लेंगे कई बार क्या होता है ऊपर वाला जो सीरा होता है हमारा दोस्तों वो तो डोर में आता है लेकिन नीचे की जो कोलम की जड़ होती है ये अंदर या बाहर की तरह हो जाती है तो ये आप गलती ना करें इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ इस तरह से आपने जड़ को सीधा करना है ऊपर वाला डोर से सीरा मिलाना है नीचे वाला आपने सोल से कर लेना है अभी देखिए फिर से आपने चेक कर लेना सोल के बाद जो हमारी डोर रहेगी इसको इतना खोल करके रखना है ठीक है ताकि हम मसाला भरे तो ये हमारा एकट आ जाए अभी क्या साइड से भी सोल कर लेंगे कैंडो को सीधा रखना है सोल कितना खोलना है दोस्तों तो तो बहुत हल्का सा खोलना है रिंग से ज्यादा टच ना हो वो ज्यादा खुले ना कैंडो को सीधा रखना है डोर से उंगली टच नहीं करनी है सोल हमारा हो चुका है अब दोस्तों सारे काम हमारे हो गए हमारा सेंटर में भी आ गया सोल भी हमने सतर रक्से कर लिया और डोर का भी मैंने आपको बता दिया कितना कोल कर रखना है अभी जो हमारे कॉलम के पैर होते हैं इसको जाल से बांध देना अच्छी तरह से तार की मदद से ठीक है थीके? उससे क्या होता है हमारा कोलम इधर उधर नहीं होता है यानी कि हिलता नहीं है और एक जगह पर फिक्स रहता है तो इस तरह से आपने काम को करना रहेगा अभी दोस्तों देखिए हमारी जो चिनाई हो रही है उसके सेंटर में ये कॉलम आ गया ठीक है इस तरह से हमारा बीच सेंटर भी हो गया है और ये बिल्कुल दो डोरों के बीच में जब हम चिनाई करेंगे दोस्तों तो ये हमारा एकदम बीच दीवार में कोलम आ जाएगा ठीक है इस तरह से आपने काम को करना रहेगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं